जे मेरे घर वाला गलत है ते ओ जैमल सरपंच दी कुड़ी भी गलत है जिसका नाम संदीप कौर है। मैं चाहनी हाँ कि जे मेरे घर वाले सजा मिले ते उसकी कुड़ी नू भी ओनी ही सजा मिलनी चाहिए। उन्हें अपने प्यार दे झूठे जाल विच फसाया मेरे घर वाले नू ते एदे नाल नजायज संबंध भी बनाए। तो उन्हें मैनू कहा कि साड़ी लड़की नहीं समझदी, तुसी अपने घर वाले नू समझाओ। जिला तरन तारण थाना वलटोहा की आबादी मलका के रहने वाले राजवीर सिंह जिस उपर पुलिस ने जबर जनाह का मामला दर्ज कर उसनों काबू कर लिया है। इस मामले में राजवीर सिंह के परिवारक मैंबर ने प्रेस वार्ता करके जानकारी देंदे हुए कहा कि संदीप कौर जिसकी उम्र 47 साल है और उसका विआह पहला हो चुका है, उस वालों अपने पिता जैमल सिंह साबका सरपंच के ड्राइवर नाल नजायज संबंध बन गए सन। इस मामले में राजवीर सिंह की पत्नी नवप्रीत कौर, भरा सेवा सिंह और माँ वालों पिंड के मोतबर व्यक्तियों नाल लैके कई बार जैमल सिंह के ध्यान विच यह मामला लिया के उन्होंने अपनी लड़की नूं अजिहे काम तो रोकने लई कहा सी। पर लड़की के पिता जैमल सिंह वालों यही कहा जाता सी कि उसकी लड़की उसके कहने और कंट्रोल विच नहीं है, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता। परिवार वाले का कहना है कि पर हुण सरपंच वालों सारा कुछ जानते हुए उसके पति उपर जबर जनाह का मामला दर्ज करवा दिता है। राजवीर की पत्नी ने यह भी कहा कि उसके बच्चों और बाकी परिवार का गुजारा राजवीर सिंह के आसरे ही चलता सी, पर उस खिलाफ किया गया मामला खारज किया जाए, नहीं तो लड़की संदीप कौर जिसने उसके पति को अपने जाल में फसा के उस उपर कार्रवाई करवाई है तो वह भी उस उपर बराबर की कार्रवाई करवाएंगे। मेरा नाम नवप्रीत कौर, वाइफ ऑफ राजवीर सिंह, अमरकोट की मैं रहने वाली हाँ। तो जैमल सरपंच जिन्हां दी गड्डी मेरे घर वाला चलाउंदा सी, उन्हां दी लड़की सी जो कि पहला व्याही हुई सी, वो मेरे घर वाले दे नाल गलबात हो गई। जे मेरे घर वाला गलत है ते ओ जैमल सरपंच दी कुड़ी भी गलत है जिसका नाम संदीप कौर है। मैं चाहनी हाँ कि जे मेरे घर वाले नूं सजा मिले ते उस दी कुड़ी नूं भी ओनी ही सजा मिलनी चाहीदी है। मतलब कि संदीप कौर उस दे ते जिहड़ा तुसीं कहणा चाहुंदे हो की उहने कीता तुहाडे पति नूं? उन्हें अपने प्यार दे झूठे जाल विच फसाया मेरे घर वाले नूं ते इहदे नाल नजायज संबंध भी बनाए। जद मैनूं इहनां दे रिलेशन बारे पता लगा ते मैं जैमल सरपंच दे घरे गई। पहला मैं आप खुद लामे दिते, फिर मैं मोतबर बंदिआं नूं उहनां दे घरे भेजिआ। जद मैं उहनां दे नाल गल कीती वी तुसीं अपनी लड़की नूं समझाओ, ते उहनां मैनूं कहा कि साडी लड़की नहीं समझदी, तुसीं अपने घर वाले नूं समझाओ। इस करके प्रशासन तों की मंग करदे हो? मैं प्रशासन तो यही मंग करांगी कि मैनूं इंसाफ चाहीदा। आ दो मेरे बच्चे आ, मैं हाँ भी इन्हां नूं किवें कमा के खवावांगी, क्योंकि मेरे घर वाला तो इस वक्त जेल विच बंद है, क्योंकि मैं इन्हूं इंसाफ चाहीदा है। झूठे केस विच उसनूं फड़िया गया है। इस मौके राजवीर सिंह दे भरा सेवा सिंह ने कहा कि उसका भरा पिछले 10 सालों तो जैमल सिंह साबका सरपंच की ड्राइवरी कर रहा है। जैमल सिंह की लड़की वालों उसके भरा नूं अपने चुंगल विच फसा के एक तरफा कार्रवाई करवा दी है। राजवीर सिंह माता ने कहा कि वह इस मामले में इंसाफ लैण लई उच्च अधिकारियों नूं भी चिट्ठियां भेज चुके हैं, पर उन्होंने कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरा ब्रदर राजवीर सिंह जिते झूठा परचा कराया गया है, तो जैमल सिंह ने उत्ते यह दोष लाया जी कि मेरी कुड़ी ने नजायज संबंध से, तो जे वे नजायज संबंध से तो फिर पहले इन मोतबर बंद इन्ह के घर जाके लामा ही दी रही मेरी भरजाई भी तू अपनी लड़की समझा, तो इन्हें कहा कि मेरी लड़की मेरे कहने चो बहर आ, तो जे ये कहने चो वह बहर सी तो फिर इन्हें उदों फिर होने क्यों ये गल् झूठे परचे क्यों कराने दिया है, तो साडे मुंडे नूं क्यों दोषी बनाने दिया है? फिर उन्नी कुड़ी इहदी भी उस दोष की हकदार आ, फिर इहदा भी उन्ना ही जो जिन्ने रिलेशन उहदे आ, जे उहदा परचे तक बनता तो लड़की का भी नाल परचे तक बनता है, इहनूं नजायज फसाया गया है। तो ये मुतबर बंदिआं दे विच भी ये गल्लां होईआं है भी इहनूं आखो ये मेरी भरजाई ने जाके आख्या भी मेरा घर ना जाड़े, इन्हें एक गों जवाब दिता जैमल सिंह ने कि मेरी कुड़ी मेरे कहने चो बाहर आ। राजवीर सिंह इन्हां दी अज तो 10 साल पहले दी गड्डी चलाउंदा सी, उदों इन्हां दे इन्हां ने इहो जिहा कोई इत्ते इल्जाम नहीं लाया, हुण इहो जिहा दोष ला के ते उहनूं नजायज परचा कराउंदे, उहदा नजायज उहनूं फसाउण दा आ जी। उहदे निक्के निक्के बच्चे आ जी, होर कोई उहदे कोई कमाई दा साधन नहीं हैगा, उहदी घर दी कित्थे जाऊगी, इह बच्चे कित्तरां पलणगे।
इस मामले संबंधी जब सरपंच जैमल सिंह का पक्ष लेना चाहिया तो उस वालों यह कह के पक्ष देने तो ना कर दी गई कि उसका लड़का और लड़की चंडीगढ़ हैं, जब आएंगे तो उन्होंने सलाह नाल ही वह गल करेंगे। इस मामले में थाना बलटोहा के SHO बलविंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने को पीड़ित लड़की संदीप कौर ने बयान दर्ज करवाए सन, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करके उक्त आरोपी राजवीर सिंह को काबू कर लिया। जैमल सिंह जी वासी आबादी मलका बलटोहा, उन्होंने नाल एक ड्राइवर से राजवीर सिंह सानो मनमोहन सिंह वासी आबादी मलका ही, तो उन्होंने वो ड्राइवर ने उसकी लड़की जिहड़ा ब्लैकमेल किया भी तेरे ब्रदर नूं तेरे फादर नूं मैं मार देना, जिस संबंध में वो लड़की डरती जी वो जाने राजी हो गई, तो वो लड़की फड़के तो वो मर्जी के खिलाफ जो शरीर संबंध बना रहा, जिस संबंध में मुकदमा नंबर 119 बरबयान संदीप कौर, मुकदमा नंबर 119 मिति 20/9/20 अंडर सैक्शन 376 IPC थाना बटवा दर्ज किया गया, तो दोषी राजवीर सिंह अरैसट करके अच्छ पेश अदालत किया जा रहा है। प्राइम मुदली तरन तारण तो गुरमीत सिंह बलटोहा की रिपोर्ट।